साथियों सभी को हृदय पूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब के और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नोलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगाता। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मन पूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश समृद्ध हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है।
अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं, और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मैं एनडीए के हमारे साथी और जेडीएस के नेता श्री एचडी कुमार स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, सेवरल लीडर्स, सीनियर लीडर्स हु आर सिटिंग इन द डायस, newly elected all my senior colleagues and friends, I congratulate you, all of you, by electing in this election in a huge majority. Today already Rajnath Singh ji, Amit Shah ji, Nadda ji expressed their views, the contribution given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA parliamentary board. Thank you very much. मैं NDA के हमारे सम्मान्य साथी तेलुगु देशम पार्टी के नेता सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. You have won wonderful majority.